हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन में कोरोना वायरस की मंडियां जमकर सज रही हैं। कोरोना की मंडी सुनकर चौंकिए मत। दरअसल जो सब्जी मंडियां हैं ना, वहां की भीड़ देखकर तो इसे कोरोना मंडी ही कहना अब ठीक होगा। गुरुग्राम, मेरठ समेत कई सब्जी मंडियों में कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। अब इन मंडियों से सब्जियां आपके घर भी पहुंच रही हैं, या फिर पहुंच रहा है संक्रमण, देख लीजिए रिपोर्ट में। भीड़ ऐसी जैसे लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। आम दिनों में मंडी की ऐसी तस्वीरें बिल्कुल हैरान नहीं करती, लेकिन अभी सब कुछ सामान्य तो है नहीं, इसीलिए ये तस्वीरें हैरान और परेशान करती हैं। कोरोना महामारी से बचने के लिए दो गज की दूरी है बहुत जरूरी वाला मंत्र सब्जी मंडियों में आकर पूरी तरह ध्वस्त दिखाई देता है। यही कारण है कि देश की सब्जी मंडियों से संक्रमण की खेप जगह जगह फैल रही है। इस सब्जी मंडी का हाल देखिए। कोरोना से बचने के सभी कायदे कानून का यहाँ बोरिया बिस्तर बंधा है। ये दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम की सब्जी मंडी है। गुरुग्राम सब्जी मंडी पर कोरोना की गाज गिरी है और यहाँ एक साथ 9 लोगों को कोरोना हुआ है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम सब्जी मंडी में 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो सब मंडी से ही जुड़े हैं, यानी कोई आढ़ती है, कोई मुनीम है तो कोई पल्लेदार। अब इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाइए कि संक्रमण के दौरान कितने लोगों से इनका संपर्क हुआ होगा। अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि कोरोना मरीज कितने लोगों के संपर्क में आए थे। प्रशासन की हालत पतली हुई तो मंडी को 4 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। आज से वो 4 दिन पहले यहाँ पर कोरोना के टेस्ट हुए थे आरटीओ और लेबर के, तो उसमें 9 पॉजिटिव केस आए हैं कोरोना के, इस चलते मंडी बंद का ऐलान हो गया। और खड़ी चोट पर हमारे को जो है कच्चे माल है हमारे, मालों को हम कहाँ करें, कई लाखों का नुकसान हो जाएगा हमारे को भी, परेशानी है, पर क्या करें, सरकार के साथ है। कोरोना की बड़ी मार तो मेरठ की नवीन सब्जी मंडी पर भी जोरदार पड़ी है। मेरठ की सब्जी मंडी में 24 घंटे में 24 नए मामले सामने आए हैं। मेरठ में कुल 2 दिन में 49 पॉजिटिव केस मिले हैं। मेरठ में डराने वाली बात यह है कि पूरे जिले में इसी मंडी से फलों और सब्जियों की सप्लाई होती है। दरअसल 1 मई को मेरठ में एक फल कारोबारी की दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद मंडी की जांच की गई तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अब यहां सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में 15 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके दिल्ली की ओखला मंडी और गाजीपुर मंडी में इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। दिल्ली की आजादपुर मंडी से संक्रमण सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। हरियाणा के झज्जर में पॉजिटिव पाए गए 11 सब्जी कारोबारियों का कनेक्शन आजादपुर सब्जी मंडी से ही है। इससे संबंधित रोहतक में भी सब्जी कारोबारियों में कोरोना का मामला मिल चुका है। तमिलनाडु में एक ही दिन में कोरोना के 527 नए मरीज सामने आए, जिनमें से ज्यादातर लोग चेन्नई की कोयम्बेडु सब्जी मंडी से जुड़े थे। कोरोना के इस करंट के बाद मंडी पर ताला लगा दिया गया। कई जगहों पर सब्जी कारोबारियों के कोरोना शिकार होने से ये बात तो साफ है कि हर घर तक पहुंचने वाली सब्जियों से भी संक्रमण का खतरा है। आप सब्जियों को अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। अफ्रीकी देश तंजानिया में तो पौपौ नाम के फल और बकरी में भी कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। यहाँ फल की चर्चा हमने बस ये बताने के लिए की है कि अब गर्मी के मौसम में आमतौर पर लोग आम को सूंघकर खरीदते हैं, तरबूज को भी हिलाकर चेक करते हैं।
कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए फिलहाल किसी भी फल को ऐसे चेहरे के पास न ले जाएं कि ये आपके लिए मुश्किल खड़ी कर दे।